बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से मिल रही, यूपी के शाजापुर से बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सड़क उखाड़ने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी जगवीर सिंह अभी भी फरार है। आपको ये बता दें कि बीजेपी विधायक के गुर्गो ने रंगदारी नहीं देने पर सड़क को ही उखाड़ दिया था। विधायक के गुर्गो ने कर्मचारियों से मारपीट भी की थी। सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लिया था। सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। सड़क उखाड़ने से करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। रंगदारी नहीं दी तो देखिए, गुंडागर्दी यहाँ पर इस तरीके से चल रही है की पूरी सड़क ही उखाड़ दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब इस पूरे मामले में तेजी के साथ कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, लेकिन उसको ढूंढा जा रहा है। बीजेपी विधायक के गुर्गो ने रंगदारी नहीं देने पर सड़क को उखाड़ दिया, और इसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। 5 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। जेपी पुल पर निर्माणाधीन सड़क को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में अभी जो पंजीकृत किया गया था, इसमें साक्ष्य के आधार पर धारा 386 एबीसी की वृद्धि की गई है। इस अभियोग से संबंधित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में थाना जयतीपुर पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। इनके कब्जे से घटना प्रयुक्त जेसीबी को भी बरामद किया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि जगवीर के कहने पर ये लोग वहाँ पहुंचे थे और उसके कहने पर इस सड़क को तोड़ा था। जो इससे संबंधित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।